मांग कर रहे हैं। जय हिंद, मैं मर्जो चतुर्वी रिटायर्ड बी एस एफ संजुक जो गाजीपुर बॉर्डर से हूँ। मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से एसएससी को जो पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ सीआरपीआई टीबीपी सीआईएसएफ असम राइफल्स जिसमें ज्वाइनिंग करते हैं, मैं सुरक्षा कर्मी होने के नाते मैं कहता हूँ, मैं जानता हूँ मैं 2019 में क्यों रिटायरमेंट लिया, पता है? वॉलंटियर इसलिए लिया कि वहाँ मैन पावर की कमी थी, वहाँ मैन पावर की कमी थी। जो जिस हिसाब से जो मैनुअल बनाया गया है उस हिसाब से कांस्टेबल नहीं है, और एक कांस्टेबल को जितनी ड्यूटी करनी चाहिए उसे चरगुना ड्यूटी कर रहा, उसे सोने के लिए समय नहीं है, 18-18 घंटे जगता है, दाढ़ी नहीं बनाता है, कपड़े धोने का टाइम है, नींद नहीं पूरी होती। लेकिन सरकार क्या कहती है कि हम सुरक्षा के लिए जान हाजिर है, बॉर्डर पर सुरक्षित कैसे सुरक्षित रहेगा? अगर जिस जवान को जो मैनुअली में 2 किलोमीटर एरिया में 10 जवान रहते हैं, अगर 5 जवान रहेंगे तो कैसे सुरक्षा होगी, मुझे बताइए। और आप भर्ती नहीं कर रहे हैं, आपकी वैकेंसी है 60,000 समथिंग की भर्ती थी इनकी, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है, जबकि लगभग 54,000 लोग, 6,000 क्यों? अगर शायद अगर इन लोगों को 2018 में रिटायरमेंट आया, अगर 2018 में इनको दे दिया गया होता तो मेरे जैसे हजारों सैनिक जो 3 दिन में एक सैनिक मरता आत्महत्या करता, क्यों? ड्यूटी का वर्डन पड़ता है उस पर। एक जवान कम से कम लाखों की संख्या में हर साल रिटायरमेंट आता, क्यों? मैन पावर की कमी। तो क्यों नहीं सरकार, ये सरकार क्यों नहीं इनको भर्ती, जब युवा हमारे पास है, कहते हैं कि सुरक्षा के लिए कोई साधन संसाधन कमी नहीं है, पैसे कमी नहीं है, सुरक्षा के लिए सब अड़ा देंगे, तो फिर सुरक्षा सब खिलवाड़ क्यों? क्यों नहीं नौजवानों को, आप कहते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दें, क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बताइए, आप सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने से तो जल्द से जल्द, नहीं तो मेरे देशवासियों सुन लो, अगर जल्द से जल्द इनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, नहीं सुरक्षा खतरे में है। वहां एक सिपाही है जो जितना देख नहीं सकता उसे ड्यूटी दी जा रही है, आत्महत्या कर रहा है, कहीं ना कहीं दबाव में है, तो इनको मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रेशर करें। हम सैनिक जहाँ छात्र कौन है, ये तो किसान के बेटे हैं ना, किसान के बेटे, हमारे बेटे, हम इनके इनकी समस्या हमारी समस्या इनकी है, तो जब ये रोड पे है तो हम भी रोड पे रहेंगे। ये किसान जवान मजदूर, अगर इनका पसीना बहेगा तो मैं जवान, मैं मर्जी चतुर्वेदी कहता, पूरी टीम हमारी वेटरन्स की है, इनके लिए खून बहा देगी। मैंने कहा था टच में थे हम, कहीं हाँ आइए, संयुक्त मुक्त मोर्चा किसान मोर्चा का है, यहाँ सबकी आवाज होगी। अब एक किसान आंदोलन तक नहीं है, ये जन जागृति आंदोलन है, एसएससी का मुद्दा हो चाहे, अब देखिए ये लोग क्या करते हैं, पेंशन, इनकी पेंशन जितनी बार चुना जाएगा उतनी बार पेंशन है, लेकिन इनको रोजगार नहीं दे रहे हैं, बताइए। एक नेता जितनी बार चुना जाएगा उसका पेंशन है, लेकिन सीआरपीआई टीपी बीएसएफ असम राइफल्स आरपीएफ को पेंशन नहीं, क्यों? व्हाई? हमारे पैसे से मलाई पूरी खाते हो, गर्म पानी नहाते हो, हवाई यात्रा करते हो, उनको नौकरी नहीं? सात सवाल में एक ही सवाल छोड़े जा रहा हूं कि जब 60,000 समथिंग की वैकेंसी थी तो 54,000 को लेटर दिया गया, जबकि मेडिकल में फिट है, रिटेन में फिट है, तो 6,000 जो समथिंग बचती है उनको लाख का लेटर क्यों? इस देश को सोचना पड़ेगा। अभी जल्द ही इसी मंच से इनकी बहुत बड़ी आंदोलन होगी और बहुत बहुत तेजी से चलेंगे और इनको न्याय दिला के रहेंगे। जी कुछ क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल, इनको न्याय दिला कर रहेंगे, इसीलिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया भी लगातार ये मुहिम चला रहा है और इन स्टूडेंट्स के साथ लगातार खड़ा हुआ है, जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता या फिर इन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती। एक बात बताइए, 20 और 21 के लिए सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जो है वो निकाल दिया गया है एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए, लेकिन इन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने 2018 में एग्जाम दिया था और ये ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि प्रत्येक वर्ष मेरे देश के भाइयों बहनों युवाओं 2 करोड़ रोजगार तुम्हें दूंगा। 7 वर्ष हो चुके हैं, 14 करोड़ रोजगार हमारे नरेंद्र मोदी जी पे उधार हैं। हमारे देश का युवा, हमें पता चला हम किसान आंदोलन में थे कि हमारे देश का नौजवान फिलहाल दिल्ली में अपने हकों को लेकर एसएससी के कुछ छात्र हैं, हम इनके पास जाते हैं, जंतर मंतर में उस दिन बैठे थे, इनके कुछ लड़के हमें मिले, मैंने कोई क्या व्यवस्था है, तो हमने देखा कि एक भाई का हाथ टूटा हुआ था उसका, फिर हमने इनसे बात करी कि लड़कियों पर भी लाठीचार्ज हुआ है, देश के जो हुक्मरान है, जो देश में सत्ता में बैठे लोग हैं, वो इस देश को लोकतंत्र से नहीं लाठी डंडों से चलाना चाहते हैं। हमने इन्हें आश्वासन दिया था कि आप लोग यहाँ पर आए और यहाँ से आप लोगों की आवाज उठाने का काम करेंगे, लोगों ने कहा था कि हम सोचेंगे और इस विषय में बात करेंगे, हमारी कहीं और भी रहने की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन आज सुबह इनका फोन आया, इनका कोई लड़का है विशाल का फोन आया कि हम गाजीपुर आना चाहते हैं। हमने संयुक्त किसान मोर्चा से बात की, हमने राकेश टिकैत जी से बात की, गौरव जी से बात की, बाजवा जी से बात की, उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा कि आप इन छात्रों को बुला लीजिए और यहाँ पर जो देश का किसान लड़ रहा है और देश के जो बेटे हैं वो भी किसान के बेटे हैं, क्योंकि मंत्री सांसद विधायक और बड़े बड़े अफसरों के बेटे इन भर्ती मारने में नहीं जाते, ये वहां पर अपने हकों की लड़ाई लड़ने नहीं जाते, बड़े बड़े बिजनेसमैन पूंजीपतियों के बेटे सड़कों पर नहीं रहते। हम देश के हुक्मरानों से ये कहना चाहते हैं कि साहब
यही नौजवान थे, यही बेरोजगारी आदमी थे, जिन लोगों को आपने बड़े बड़े प्रलोभन दिए कि 2 करोड़ रोजगार आप लोगों को दे देंगे। अब आप बंगाल में जाकर 75 लाख रोजगार की बात करते हो। पहले जो मेरे देश का नौजवान सड़कों पर है, ये भूखा हो भी है और बेरोजगार भी है, और ऊपर से भूखा बेरोजगार होने के कारण आपकी लाठी डंडे भी झेल रहा है। आप लोग लाठी डंडे से देश के नौजवानों को चलाना चाहते हैं। ये देश का नौजवान अब जागरूक हो चुका है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था जिंदा कौम है 5 साल का इंतजार नहीं करती। ये वही जिंदा कौम है, ये अब आप 2024 का इंतजार नहीं करेगी। जब तक सड़कों पर लड़ेगी, जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाएंगी, जब तक आप इन लोगों को इनका हक नहीं दे देंगे। हम ही किसान है, हम ही जवान है। इस देश की सरहदों पर क्या हमारे भाई बहन अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं? क्या देश की जो सैनिक इन लोगों ने हमारे सामने खड़े कर रखे हैं, क्या इन्हीं में से कोई नौजवान नहीं है? अरे इन लोग, एक बात बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। माननीय मोदी जी, आपने चुनाव लड़ा, उसमें खर्चा भी किया होगा, आपने प्रचार भी किया होगा। उसके बाद जब आप चुनाव जीत लिया, प्रचार कर लिया, उसके बाद अगर आपको कोई शपथ ना दिलवाए तो आपको कैसा लगेगा? वही हाल इन नौजवानों का है। इन लोगों ने फॉर्म भरा, पढ़ाई की और परीक्षा पास की, मेडिकल पास करी, अब इनकी ज्वाइनिंग आप लोग नहीं दे रहे हो। तो आने वाला समय आप लोगों के साथ ऐसा ना हो जाए कि आप चुनाव लड़े और फिर ये देश की जनता आप लोगों के कुर्ते पकड़ कर पूछे कि माननीय नेताजी आप कहाँ हो, माननीय नेताजी आपको ज्वाइनिंग क्या, आपको शपथ ये नौजवान नहीं लेने देंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, जितने भी भाई इस लोग को दे रहे हैं, मजाक को देखना छोड़िए, बड़े बड़े चुटकुले सुनने छोड़िए, इन लोगों के प्रलोभन में मत आइए। और देश के नौजवानों को पूछे कि जहां भी सत्ता में बैठे लोग आपके घरों में, गलियों में, कुचों में, मोहल्लों में दिखाई दे, तो उनके मंत्री, विधायकों, सांसदों से कालर के कुर्ते के कालर पकड़कर पूछे कि साहब जब चुनाव चल रहे थे देश में, तब आप लोगों ने हमारे बीच में आकर बड़े बड़े वादे किए थे, आखिर आज वे वादे कहाँ हैं? देश का नौजवान अगर संसद मार्च करता है, संसद में जो देश की गरिमा है वहां जाकर पूछता है कि साहब मेरी नौकरी कहाँ है, अगर देश का किसान दिल्ली जाकर पूछता है कि साहब ये जो कानून आपने लाए हैं मेरे हितों के नहीं है, तो आप कहाँ हैं? उन पर लाठीचार्ज करवाकर लाठी डंडों से आप लोग इस देश को चलाना चाहते हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपसे जानना